आप भी सोच रहे हो डाइनिंग एरिया में क्या करूं, कौन सी डाइनिंग टेबल लगाऊं, इतने सारे ऑप्शन और कंफ्यूज हो गए हो, तो मैं आपको बताता हूं 5, 6, 8 तरीके की डाइनिंग टेबल्स जो आप अपने घर में लगा सकते हो। सबसे पहले डाइनिंग टेबल देखो, यहाँ पर मैंने ना पीछे फैब्रिक का बेस बनाया है एंड नीचे मेटल का एलिमेंट यूज़ किया है। जब भी अगर आपके पास थोड़ा अच्छा सा पैसा है और आप एक हाई एंड घर को बना रहे हो तो आजकल फैब्रिक और मेटल का ज़माना है। ऊपर हमने इटालियन टेबल टॉप यूज़ किया है और उसकी स्लाइसिंग कर दी है कॉर्नर से, जिससे कि एजिंग थोड़ी सी ईजी हो जाती है। ये पहली तरीके की डाइनिंग टेबल है। ऐसे ही 5, 6, 8 तरीके की और भी डाइनिंग टेबल्स यूज़ की जा सकती हैं आपके घर में, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। टू स्टार्ट विद, सबसे पहला करो, आप अगर वुडन का टॉप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको थोड़ी सस्ती डाइनिंग टेबल चाहिए तो वुडन का टॉप यूज़ कर लो और नीचे भी वुडन के लेग्स लगा लो। ये दूसरी तरीके की टेबल हो गई। तीसरी टेबल यूज़ की जा सकती है, आप उसके ऊपर ग्लास टॉप लगा लो, साइड में वुडन के लेग्स लगा लो। वो लेग्स टीक वुड के भी हो सकते हैं, शीशम के भी हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के भी हो सकते हैं। चौथा ऑप्शन आपके पास है, आप ऊपर ऑनिक्स का टॉप लगा लो। अगर आपको इटालियन में पैसा नहीं खर्च करना है, इटालियन मार्बल नहीं यूज़ करना है, तो आप ऑनिक्स का टॉप, जो एक्चुअली कॉम्पोजिट मार्बल भी बोलते हैं, अगर आप किचन्स में यूज़ करते हो, क्वार्ट्जाइट भी बोलते हैं, क्वार्ट्ज भी बोलते हैं, वो लगा सकते हो, उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट ऑनिक्स। सिमिलरली एक रियल ऑनिक्स भी आता है, अगर आपके पास बजट है तो अगेट या एक रियल ऑनिक्स को भी आप यूज़ कर सकते हो ऑन द टेबल टॉप। इसी तरीके से और भी बहुत सारी वैरायटी है, अगर आप विनर यूज़ करना चाहते हो तो विनर के ऊपर मैट पॉलिशिंग, ग्लॉस पॉलिशिंग या फिर आप पॉलिस्टर की पॉलिशिंग भी करा सकते हो। ये सब डिपेंड करेगा आपके पास जेब में रोकड़ा कितना है और आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हो अपने घर में। तो मैंने आपको बताया 7-8 तरीके की डाइनिंग टेबल्स जो आपके सेम एरिया को अच्छे से डेकोरेट कर सकती हैं।